हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदर किचन में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इफ्तारी के लिए एग पकौड़ा। उसके लिए हमने यहाँ पर एग को भी बॉईल कर लिया है और आलू को भी बॉईल कर लिया है, बाकी की सारी हमने प्रिपरेशन कर ली है। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम बेसन का एक घोल रेडी कर लेंगे एग पकौड़े के लिए। यहाँ पर हमने 100 ग्राम बेसन लिया है, हमने इसे छान कर रख लिया था। इसमें अब हम साल्ट ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे और 1 पिंच मीठा सोडा ऐड करेंगे। ये भी हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर इसका एक घोल रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह का हमें एक घोल रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पकोड़े के लिए बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बॉईल किए हुए आलू को चमचे से अच्छे से हम इसे मैश कर लेंगे। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। वन टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, ये भी हम 1/2 टी स्पून ही लेंगे। 1/2 टी स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 2 ग्रीन चिल्ली को इस तरह हमने काट लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू को हमने बहुत अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एग पर कोटिंग देंगे। इस तरह से हम एक एग ले लेंगे, उस पर आलू का मसाला इस तरह से हाथ पर लेकर अंडे पर इस तरह से ये देखिए कोट कर देंगे। इसी तरह से सारे अंडों पर हम आलू की स्टफिंग अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एग्स पर हमने सारी आलू की स्टफिंग इस तरह से अप्लाई कर ली है। अब हम इसे बेसन के बैटर में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। इस तरह हम इस अंडे को बैटर में डिप करेंगे। इस तरह से सारा बैटर इस पर अप्लाई कर लेंगे और ऑयल में ऐड कर लेंगे। एक पकौड़ा बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को रमजान में इफ्तारी में जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अंडा पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कलर अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
एग पकौड़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम सारे एग पकौड़े फ्राई कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, इफ्तारी के लिए टेस्टी क्रिस्पी चटपटा एग पकौड़ा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स दीजिए।